Hey friends, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने घरों में। तो आज मैं अपने किचन में से लाई हूँ आप लोगों के लिए तोरी और चने की दाल की सब्ज़ी, जो कि चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे वो इस प्रकार है। यह है तुरई या तोरी, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1.25 किलो लिया है। और ये तोरी को हमें इस तरीके से पील करना है अच्छे तरीके से। जब ये पील हो जाए तो इसे गोल गोल काट लेना है, जिस तरीके से मैं इसको काट रही हूँ। इससे आपको अच्छे से वॉश कर लेना है और एक फ्रेश पानी के अंदर इसको भिगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर का सारी इम्प्योरिटीज़ अच्छी तरीके से बाहर आ जाए। अब ये है चने की दाल। चने की दाल है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप है। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो लिया है ताकि ये जल्दी पक जाए। गर्म पानी में भीगने से ये जल्दी अच्छे से पक जाती है। ये है हल्दी और अब जाएगी हमारे क्रश गार्लिक्स। ये है 10 से 12 लहसुन जिसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये है हरी मिर्ची जिनको मैंने बीच में से स्लिट कर लिए हैं, 6 से 7 है क्वांटिटी में। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर कम करते हैं तो कम डालिए। ये है ज़ीरा, ज़ीरा है 1 चम्मच। ये है ऑनियंस, प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 2 ऑनियंस हैं वो। और ये 3 टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और नमक स्वाद अनुसार, जितना नमक आप पसंद करते हैं आप उतना ही डालिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। और ये है हमारी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने लिया है 3 चम्मच तेल। तेल के अंदर जाएगा गार्लिक और हरी मिर्च और ज़ीरा। और हमें इसे तब तक के फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारा कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो हमने 2 प्याज मीडियम साइज़ की बारीक काट ली थी उसे हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है। और इसे हमें तब तक के भूनना है जब तक कि हमारी जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। हमारी जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, फास्ट फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। देखिए कितना अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे जो 3 चॉप किए हुए टमाटोज़। अब जाएगी इसके अंदर हल्दी, अब जाएगा इसके अंदर नमक, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तब तक के भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटोज अच्छे से गल ना जाए। जैसे ये गल जाएंगे हमारी भीगी हुई चने की दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे फास्ट फ्लेम पे हमें तब तक के भूनते रहना है जब तक कि इसका टमाटर अच्छे तरीके से गल ना जाए। जैसे ये गल जाए तो हमें चने की दाल इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसको ऐड करने के बाद में हमें इसे भी 5 मिनट तक के अच्छे से फास्ट गैस पे इसको भूनना है, ताकि इस टमाटर के अंदर और भी थोड़ा बहुत जो पानी है वो अच्छे तरीके से सूख जाए। जैसे ही वो सूखने लगे तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, आधा ग्लास थोड़ा सा गर्म पानी। और इसे हमें ढककर कम से कम 20 मिनट तक के इसको पकाना है मीडियम टू लो हीट पर, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। क्योंकि जो चने की दाल होती है इसे गलने में टाइम लगता है। देखिए हमारे 20 मिनट हो गए और हमारी चने की दाल भीगने की वजह से जल्दी गल गई है। और देखिए कितना अच्छा सा इसके अंदर स्मूथ टेक्स्चर भी छोड़ दिया है इसने। हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल जाएगी तो फिर इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे हम इसके अंदर तोरी को ऐड करते जाएंगे। और तोरी ऐड करने के बाद में हम इसको फास्ट फ्लेम पर इसको थोड़ी मिक्स करेंगे, टर्न देंगे। ट्विस्ट और टर्न देते हुए उसके बाद में हम इसके अंदर इसको लीड लगा कर 10 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि जो तोरी है अपना पानी अच्छे से छोड़ दे और ये थोड़ी गल जाए। जैसे ही आपको लगे कि हमारी तोरी गल चुकी है, 10 मिनट बाद हम इसकी लीड को हटाएंगे और देखेंगे। तो देखिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो तोरी है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हम इसको फास्ट फ्लेम पर भूनेंगे, और इसको भूनते हुए इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता जैसे हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब है हमारी जो दाल है तोरी की, चने की दाल और तोरी सब कुछ पक चुकी है। दिखने में कितनी यम्मी है ये, सच में ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। इसको रोटी के साथ अब अगर किसी को भी सर्व करेंगे तो वो बहुत ही उंगलियां चाटता हुआ खाएगा और ज़रूर आपकी तारीफ़ करेगा। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा घर के ऊपर। और आई होप सबको आपके घर में ये चीज़ पसंद आएगी, ये बहुत यम्मी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ ऐसी ही ईजी और टेम्पटिंग लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू